यार आज की वीडियो ना मैंने तीन पार्ट में डाली है क्योंकि यार बहुत ज़्यादा लंबी बन गई थी ये वाली वीडियो, और लंबी इसलिए बन गई क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने डिटेलिंग वर्क करा है। ठीक है, तो तुम यार वीडियो देखो, और ना वीडियो में मैंने बहुत अच्छा समझाया, इस बारी कोशिश करिए मैंने समझाने की ज़्यादा अच्छी तरह। ठीक है, तो तुम वीडियो देखो और अगर तुम्हें अच्छी लगे ना तो लाइक कर देना, और नए व्यूवर्स जो होंगे वो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और बाकी वीडियो देखो और कमेंट जरूर करना कि मतलब अच्छी लगी या ना लगी हो। ठीक है, और स्पीड कम है इसलिए थोड़ी वीडियो ज़्यादा लंबी बनी है क्योंकि मैंने एक्सप्लेन बहुत अच्छा करा इसमें मेरे ख्याल से, तो तुम देख के अपने कमेंट में बताना कि मैंने एक्सप्लेन करा अच्छा नहीं करा। ठीक है, और बस ठीक है तुम बता देना बस। चलो बाय, अब वीडियो देखो एंजॉय करो। तो यार दोस्तों देखो, तुम ना जब ये ड्रॉ करते हो ना तो पेंसिल ना हल्की चलाओ, और मैं ना वीडियो बना रहा हूँ इस वजह से मैं पेंसिल थोड़ी डार्क चला रहा हूँ ताकि ना ड्राइंग दिखे ढंग से। लेकिन ना तुम ना हमेशा हल्की चलाओ पेंसिल, मतलब मीडियम पे। बहुत ज़्यादा हल्की करोगे तो फिर जब तुम कलर करोगे तो तुम्हें दिखेगा नहीं कि मतलब तुम्हें कैसे शेडिंग देनी है। ठीक है, लेकिन फिर भी हल्की करो, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि हल्की हो ताकि ना उसमें ना जब तुम कलर करो तो बाद में वो ब्लैक ग्रेफाइट ना उसके साथ कलर तुम्हारे पेंटिंग कलर के साथ मिक्स ना हो, या वाटर कलर अगर तुम करते हो तो उससे। और तुम एक चीज़ और बता दो, तुम इसे मतलब मैंने ये कैनवास शीट ले रखी है इस पर, ठीक है, लेकिन तुम कोई भी इस पर यूज़ कर सकते हो शीट। ठीक है, कैनवास शीट इसलिए यूज़ करता हूँ मैं क्योंकि इस पर ना कैनवास पे ना मिक्सिंग अच्छी आती है, क्योंकि मैं एक्रेलिक कलर यूज़ करता हूँ तो वो जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं कैनवास शीट यूज़ करता हूँ, तो इसमें मिक्सिंग जल्दी आती है और मतलब वो सूखते नहीं कलर्स पे जल्दी। और बाकी तुम उस शीट पे भी कर सकते हो, मतलब उस पर थोड़ा सा तुम्हें जल्दी कलर सूख जाएगा उस पर, ये दिक्कत आएगी, लेकिन फिर भी तुम वो यूज़ कर सकते हो। तुम पोस्टर कलर यूज़ करो, जैसे मैंने ये पेंटिंग ना बनाई है तो तुम इसे पोस्टर से बना सकते हो। ठीक है, तो बाकी बस फिर तुम देखो और करने की कोशिश करो, हो जाएगा तुमसे ईजिली। ठीक है, और ड्राइंग तो तुम्हारी अच्छी होगी। समझाता हूँ ठीक है कि कैसे करते हैं कलरिंग। देखो ये इसमें ना ये जो तुम्हें लाइट वाला पार्ट दिख रहा है, इसे ना सबसे पहले जहाँ जहाँ तुम्हें लाइट दिख रहा है वो देखो, और तुम्हें जहाँ जहाँ डार्क दिख रहा है वो देखो। देखो यहाँ लाइट है और यहाँ डार्क है, फिर ये वाला डार्क है और ये लाइट है, और फिर ये वाला लाइट है, और फिर मतलब जहाँ जहाँ तुम्हारा लाइट है ना वो तुम्हें करना है मेनली। ठीक है, अब देखो, अब ना मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि जैसे जैसे हाथ पे भी देखो तुम, जैसे यहाँ पे लाइट आ रहा है ठीक है, और ये वाला पार्ट डार्क है, ये वाला पार्ट ध्यान से देखो तुम्हें डार्क दिख रहा है और ये वाला लाइट है। तो मतलब इन जगह ना तुम्हें लाइट रखना है पेंटिंग में अपने, और इन जगह मतलब दूसरी जगह जो तुम्हारा राइट वाला पार्ट है उधर डार्क रखना है तुम्हें पूरा। ठीक है, तो ये चीज़ तुम्हें ध्यान में रखना है कि राइट वाला डार्क और लेफ्ट वाला जो है वो राइट। ठीक है, और फिर मतलब हर चीज़ तुम्हें देखो इस पर, अब इस पर हर जगह परछाई आ रही है, तो मतलब एक तरह से तो ना तुम्हें शेडिंग बिल्कुल ढंग से देखनी है कि कैसे कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मतलब मैंने कैसे किया है वो तुम्हें बिल्कुल जैसे सामने तुम्हें जिस चीज़ से तुम बना रहे हो ना वो चीज़ तुम देख के बिल्कुल सेम देने की कोशिश करो। ठीक है, अब चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ। और देखो ये बाल पे भी देखो यहाँ पे लाइट है ठीक है, और फिर मतलब पीछे पीछे डार्क है, तो डार्क की वजह से जो ना मैं इसे जब सेपरेट करूँगा ना बैकग्राउंड से बाल को, तब देखना मैं कैसे करता हूँ। ठीक है, वो तुम्हारे तीसरे पार्ट में आएगा वैसे। ठीक है, लेकिन तुमको मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम ना तीनों पार्ट देखना, क्योंकि तीनों पार्ट देखोगे ना तभी तुम्हें सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मतलब इसके बाद तुम्हारे ना लगभग मेरे ख्याल आधी पेंटिंग अच्छी हो जाएगी,
और जब भी पता है कोई पेंटिंग करते हो ना, डिटेलिंग के साथ करो, मतलब डिटेलिंग के साथ करो, ठीक है? तो ना उससे मतलब बहुत अच्छी आएगी तुम्हारी, मतलब शेडिंग वेडिंग बहुत अच्छी आएगी। और कैनवस पे करोगे तो मतलब मिक्सिंग अच्छी आएगी वैसे, पर तुम शीट पे भी करोगे तब भी बन जाएगी ये तुमसे। अब देखो, अपना मैं ऑरेंज कर रहा हूँ ना, तो देखो मैं कितना आराम से कर रहा हूँ ऑरेंज कलर करा। मतलब इस पे तो मैंने मतलब 6 घंटे में बनी थी मेरी ये वीडियो असल में, ठीक है? लेकिन तुम इसे जल्दी बना सकते हो, पर तुम्हारी फिर अच्छी नहीं आएगी ना, जैसे मिक्सिंग वगैरह। जैसे मैं देखो इस पे ब्लेंड कर रहा हूँ कलर को, तो देखो कैसे कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल रुक रुक के आराम से कर रहा हूँ, ठीक है? बीच बीच में मैं स्पीड बढ़ा दूंगा कहीं कहीं, लेकिन मैं बहुत आराम से कर रहा था ये चीज़। अब देखो, अब ना जैसे मैं ऑरेंज करा, मैंने देखो इसमें वाइट कैसे मिक्स कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल ना ब्रश को बिल्कुल मतलब थोड़ा सा वैसे करके पकड़ो, प्रेशर डाल के मतलब ब्रश को पकड़ो, और फिर ना प्रेशर से मतलब ब्रश को थोड़ा दबा दबा के करो शीट पे, मतलब प्रेशर डाल के ब्रश पे फिर शेडिंग दो टेक्सचर वगैरह, ठीक है? अब देखो, अब मैं ब्लैक कर रहा हूँ, ठीक है? मतलब पहले मैंने ऑरेंज करा, उसमें फिर वाइट मिक्स करा है। देखो वाइट कहाँ कहाँ मिक्स करा, बस कोने कोने पर मिक्स करा, थोड़ा ऑरेंजिश कलर रहने दिया उसका। और फिर उसके बाद देखो इसमें ब्राउन कलर कर रहा हूँ, और वो जैसे तुम्हें मैंने ड्राइंग में मतलब पेंटिंग में दिखाया था ना, कि वो वहाँ पे शक्ल पे जहाँ जहाँ चमक आ रही थी, वहाँ वहाँ पे मैं ना अभी वाइट छोड़ूंगा देखना, और बाकी जो तुम्हारा बचा हुआ इलाका था शक्ल का, वहाँ पे डार्क। तो देखो अभी मैं वाइट छोड़ रहा हूँ ना, तो तुम ध्यान से देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, और फिर मतलब तुम बहुत अच्छी तरह सीख जाओगे मेरे ख्याल से। बस तुम ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, और अगर तुम्हें वीडियो ढंग से ना दिखे ना, मतलब थोड़ी फटी फटी दिखे ब्लर, तो तुम 720p पे कर लेना, नहीं 480p पे कर लेना, ठीक है? क्योंकि उस पर तुम्हें बहुत अच्छी तरह दिखेगा, ठीक है? अब कोशिश करता हूँ मैं और अच्छी तरह बताने की, एक्सप्लेन करने की, ठीक है? आगे पर तुम ये देखो अभी आगे कैसे कर रहा हूँ मैं। ओके, ध्यान से देखना बस। यार देखो, मैं ना हर जगह एक काम कर रहा हूँ कि
कि ना मैं मतलब जैसे कलर कर दे रहा हूँ पहले डार्क कलर, फिर ना वो जब तक सूखा नहीं हल्का गीला है ठीक है, उसी वक्त ना मैं वाइट कलर लेके उसके साथ मिक्स कर दे रहा हूँ ठीक है। तो ना तुम्हें ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ना कलर करो सीधा मतलब थोड़ा डार्क कलर, और उसके साथ वाइट कलर लेके जल्दी से मर्ज कर दो उसके साथ ठीक है। वाटर कलर में बस तुम्हें ये करना होता है कि पानी से फैलाना होता है भाई जहाँ पे हल्का है। बाकी इसमें जो मतलब जब ये करते हैं ठीक है एक्रेलिक कलर करते हैं, तो वाइट कलर यूज़ करो उसमें जितना कर सकते हो ठीक है। तो जैसे वाइट कलर से जैसे मैं मिक्स कर रहा हूँ वैसे कर दो। अब देखो मैंने वाइट कलर से मिक्स कर दिया, उसके बाद फिर थोड़ा सा मतलब ऑरेंज कलर नीचे कर दिया ठीक है। तो तुम ये सारी चीज़ें पेंटिंग में देख के ध्यान में रखो कि कहाँ पे डार्क है तो तुम्हें वहाँ डार्क रखना है, कहाँ पे बीच में बीच वाली टोन आ रही है जैसे मतलब तुम्हारा ऑरेंज और हल्के ऑरेंज के बीच का जो टोन होता है ना वो वाला टोन कहाँ पे आ रहा है, तो वो सब चीज़ बिल्कुल फोकस मतलब ध्यान से करना है। और मैं कह रहा हूँ तुम्हें एक कोई भी पेंटिंग करते हो ना 1 हफ्ता लगा के करो आराम से, तब तुम्हारी बहुत अच्छी होगी तुम्हारी पेंटिंग ठीक है। अब देखो अब मैं ना आँख बना रहा हूँ ठीक है। तो आँख बनाने के लिए ना सबसे पहले ना मतलब इसने आँखों के ऊपर जो इसके अंदर थी फोटो में जो जिसकी फ़ोटो बना रहा था उसने आँखों के ऊपर ना कुछ काला सा लगा रखा था इसलिए मैं काला सा कर रहा था, वरना मैं आँख बनाने के लिए सिंपल ना 2 लाइन दो ब्लैक कलर से ठीक है। मतलब ऊपर वाली हमेशा ना देखो आँख बनाने के लिए ना हमेशा ज़्यादातर ना तुम ऊपर वाली लाइन दिया करो, मतलब अगर तुम्हें कभी बनाना हो आँख जैसे इतनी छोटी इमेज हो ना, इसमें तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेलिंग कर रहा हूँ, वैसे तुम्हें बताता हूँ मैं कि जब भी तुम आँख बनाते हो ना तो ऊपर वाली लाइन दे दो और नीचे वाली लाइन ना वाइट छोड़ दो पहले ठीक है। मतलब नीचे वाली पे कुछ मत करो, फिर आई के अंदर वाली जो बॉल होती है वो बना दो ठीक है। और फिर वो बनाने के बाद फिर नीचे वाली लाइन पे ना हल्का हल्का बस वो जो तुम्हारे वो नहीं होते आई लैशेस वो दे दो, बस थोड़े खींच दो हल्के हल्के बस, बाकी तुम्हारा आँख बन जाएगा। फिर उसके बाद आई बॉल्स तो तुम्हें पता है, मतलब देखो पहले सर्कल बना दो उसके बीच में 2 गोले मतलब वाइट कलर के छोड़ दो बनाते वक्त सर्कल ठीक है। फिर उसके बाद थोड़े थोड़े ब्राउन कलर से लाइन लाइन से दे दो अंदर जो मतलब सर्कल में लाइन दे दो ठीक है, तो तुम्हारा आई बन जाएगा उससे। पर वो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग चाहिए, मतलब बहुत पतला ब्रश मतलब 0 नंबर का ब्रश यूज़ करो इसके लिए। और ये जब भी A4 मैं देखो ये A4 साइज शीट पे कर रहा हूँ तो ना बहुत 0 नंबर का ब्रश यूज़ करो तुम इसके लिए, या फिर 1 नंबर का, तब जाके तुम्हारी पेंटिंग बहुत डिटेल के साथ बनेगी। अब देखो मैं ऑरेंज कर रहा हूँ और इसमें वाइट मिक्स करूँगा, देखो ध्यान से, देखो वाइट मिक्स कर दिया ना मैंने, तो ऑरेंज ख़त्म कर दिया मैंने हल्का। और ये किस लिए क्या देखो आँख के नीचे थोड़ा सा कुछ फूला सा होता है ना, मतलब ये गाल जो है गाल ऊपर से थोड़ा सा आगे निकला होता है, तो वो चीज़ दिखाने के लिए ना मैंने ये करा है, देखो कितना प्यारा आ रहा है ना, तो यही ऐसे करना है तुम्हें बस ये। और डरने की कोई बात नहीं है ठीक है, डर के मत करना, बिल्कुल कूल माइंडेड ओके, मतलब गाना साइड में लगा दो अलग फ़ोन में और गाना सुनते हुए मस्त करो आराम से, बहुत अच्छी बन जाएगी तुम्हारी पेंटिंग, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब डार्क करो बस, मैं ब्राउन कलर लो ब्लैक कलर मिक्स करो और नाक के छेदों को डार्क कर दो बस, देखो कर दिया मैंने, बस यही चीज़ें हैं यार, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस करो आराम से मस्त। नेक्स्ट आँख अब मैं बनाऊँगा, तो आँख देखना मैं कैसे कर रहा हूँ ठीक है, मैंने तुम्हें एक्सप्लेन तो कर दिया आँख ठीक है, अब तुम देखना कैसे बनाता हूँ। तो इसलिए एक्सप्लेन मैंने पहले इसलिए कर दिया क्योंकि जब तुम देखोगे ना तो तुम्हारा फोकस ज़्यादा रहेगा फिर देखने पे, इसलिए।
अब देखो यार, अब मैं ना होंठ वाले पार्ट पे आऊँगा। उससे पहले होंठ के ऊपर जो मतलब मैं शेडिंग दे रहा हूँ, सिंपल देखो एक लाइन करा मैंने और फिर उसके साइड में ऑरेंज मिक्स करा है, मतलब ऑरेंज के साथ वाइट मिक्स करा है, और वहाँ पे ऑरेंज फिर ऑरेंज के साथ वापस वाइट मिक्स करा है जो राइट वाला है, और राइट साइड मैंने थोड़ा हल्का छोड़ा हुआ है होंठ के साइड में, देखो होंठ और गाल के बीचों बीच। ठीक है, अब देखो होंठ के लिए तुम्हें बताता हूँ सबसे पहले क्या करना होता है। जो ऊपर वाली तुम्हारी लिप होती है ना, वो उसे ना मतलब ब्लैक कलर करो, मतलब उसे डार्क बनाऊँ और नीचे वाले को हल्का बनाऊँ। ठीक है, तो ना जैसे तुमने देखा होगा तुम्हारे ना ऊपर वाली जो लिप होती है वो थोड़ी शायद डार्क होती होगी और नीचे वाली हल्की होती होगी, तो वो जो भी होता है, लेकिन इसमें ना पेंटिंग में मतलब मैंने देखा तो ऊपर जो होंठ है वो डार्क है, और वैसे ज़्यादातर पेंटिंग में यही होता है, ऊपर ना तुम डार्क बनाओ और नीचे हल्का बनाओ। देखो मैंने नीचे वाइट मिक्स कर, रेड में वाइट मिक्स करा है, और ऊपर वाले में ना वाइट मतलब बहुत कम मिक्स करा, ब्लैक से मिक्स करा ऊपर वाले होंठ को। ठीक है, तो तुम ये चीज़ ध्यान में रखो, और तुम्हें ना बिल्कुल मतलब बहुत अच्छा वो रेड नहीं देना, मतलब थोड़ा ना डल रेड देना है तुम्हें इसमें, क्योंकि होंठ ना थोड़ा मतलब जब पेंटिंग करते हो ना तो थोड़ी होंठ ना काली बनाया करो, बिल्कुल तुम वो दे दोगे ना तो उस पर मतलब अच्छा नहीं लगता वो ज़्यादा, क्योंकि उस पर इतनी अच्छी शेडिंग नहीं आ पाती, और शेडिंग भी नहीं आती, और मतलब जैसे अभी तो वैसे तुम दे भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरे ख्याल से जो मतलब मैं कहता हूँ तो मैं ऐसे ही देता हूँ, अब तुम्हारी मर्जी है यार। ठीक है, अब देखो, अब ना मैंने होंठ के यहाँ पे देखो ऐसे मैं डार्क कर रहा हूँ ना, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल देखो ध्यान से कि मैं क्या क्या चीज़ें कर रहा हूँ, तो वैसे वैसे करना। मैं तो कह रहा हूँ तुम ना शीट लो और साथ के साथ स्टार्ट हो जाओ। ठीक है, जैसे जैसे कर रहा हूँ मैं वैसे वैसे करो, तब तुम ना सीखोगे। मतलब मैं एक हर चीज़ नहीं कह रहा, जैसे मैं शक्ल बना रहा हूँ ना तो शक्ल बनाने की कोशिश करो जैसे मैंने करा है, और फिर मतलब जैसे मैं साड़ी बनाऊँगा तो साड़ी बनाने की कोशिश करना, तो ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे कोशिश करना, तब जाके होगा तुमसे। अब देखो मैं आईब्रो वाईब्रो कर रहा हूँ तो वो तो कर लोगे यार तुम, ठीक है, क्योंकि ब्लैक लाइन देनी होती है सिंपल, और थोड़ी थोड़ी सी शेडिंग देनी होती है। ठीक है, और छोटी सी इमेज है तो मतलब छोटी सी वो है, तो इस वजह से तो मतलब ज़्यादा इस पर शेडिंग की ज़रूरत नहीं है वैसे। ठीक है, बस डिटेलिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो जो कि मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब तुम देखते चलो, बस समझ आ जाएगी तुम्हारे।
यार देखो, जैसे मैंने शक्ल पे मिक्सिंग दी थी ना, तो वैसे तुम्हें गले वाले पे भी देना है, ठीक है? तो वो चीज़ तो सेम है, ठीक है? मतलब ब्राउन करा, ऑरेंज करा और वाइट, इन सब का यूज़ करके तुम्हें शेडिंग देनी है उस पर भी, ठीक है? अब देखो, अपना ये सिक्का जो बना रखा ना मैंने, इसने गले पे कुछ सिक्के जैसा पहन रखा था। मतलब तुम्हें पता ना, बंजारन ट्राइबल वगैरह जो पहन, मतलब ये बंजारन ट्राइबल है, मतलब बंजारन है और ट्राइबल भी है, तो मतलब कुछ भी कह सकते हो यार तुम इसको, या फिर जैसे तुम इसे कल्चर पे बना सकते हो, अपने कल्चर पे, इंडियन कल्चर पे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें तुम बना सकते हो इस पे। तो मतलब ये बता रहा था कि ये गले पे जो पहनते हैं ना, तो ये इसने गले पे पहना हुआ है, तो मतलब वही बनाया मैंने। तो उसमें ना तुम ब्लैक और मतलब वाइट मिक्स करो, तो तुम्हारा ये बन जाएगा खुद ही, ठीक है? और फिर वाइट से थोड़े थोड़े से टेक्सचर दो सिक्के पे, जो ये सिक्का है ना, तो उस पर तुम्हें दिखेगा तो है नहीं क्या है, ठीक है? तो पहले तुम मतलब सिंपल वाइट, मतलब उसमें ग्रे ऊपर ऊपर ग्रे कर दो, ठीक है? मतलब ब्लैक और वाइट मिक्स करके, फिर उसके बाद फिर हल्के वाइट से और ज़्यादा थोड़ा टेक्स्चर दे दो उस पर, मतलब डॉट डॉट डाल दो बस, हल्का हल्का, और थोड़ा अलग अलग शेप पे, मतलब कुछ भी लाइन मार दो बस, तो वो तुम्हारा बन जाएगा, ठीक है? और फिर उसके बाद ना नीचे तुम्हें एक चीज़ याद रखना, देखो सिक्के की ना परछाई आएगी ना उसके गले पे, मतलब गले पे, तो तुम्हें ना ये चीज़ ध्यान में रखना है। और फिर उसके बाद ना तुम्हें ब्लैक कलर लेना है, ठीक है? और ब्लैक कलर ना मिक्स करना है तुम्हें उसके साथ, मतलब नीचे ना जो इसका मतलब गला वाला पार्ट आ रहा है, उसके जहाँ पे इसकी परछाई आएगी ब्राउन, और तुम ब्लैक लो और उसे मिक्स करके ना फिर उसके नीचे नीचे मतलब परछाई दो, जैसे देखो मैंने दे रखा है ना थोड़ा थोड़ा, और अभी मैं और दे दूंगा, ठीक है, परछाई सी। तो वो चीज़ तुम्हें ध्यान में रखना है कि परछाई देनी है तुम्हें। अब देखो मैं दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है? अब फिर उसके बाद तुम्हें हाथ जब मैं बनाऊंगा, तो हाथ भी मुझे मतलब बस हाथ पे थोड़ा टेक्सचर देना है, और फिर हाथ बनाते वक्त बस मतलब टेक्सचर देते वक्त बस वाइट वाइट करो, और ये सारी चीज़, ये सारे कलर करो, जैसे ऑरेंज वाइट वगैरह, ये सारी चीज़ें करो, ठीक है? तो तुम्हारा वो बन जाएगा, मतलब हाथ बन जाएगा। बस टेक्सचर का ध्यान रखना कि जैसे मैं इस पर पहले ना देखो ये लाइन कर दिया मैंने, अब इसके लाइन के जो लेफ्ट साइड, तुमने जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था तुम्हें, तो लेफ्ट साइड बिल्कुल लाइट लाइट था ना, तो वो पार्ट तुम्हें लाइट छोड़ना है और बाकी ये वाला पार्ट डार्क रखना है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखो। देखो मैं डार्क कर रहा हूँ इस तरफ, और इस तरफ लाइट छोड़ दूंगा। अब देखो ये मैंने ऑरेंज करा ना, अब बीच में वाइट कर दूंगा, देखो कर दिया वाइट, बस यही चीज़ें हैं यार, और हो जाएगा यार, चलो तुम कोशिश करो बस, ठीक है? और टेंशन नहीं, टेंशन नहीं, बस
अब देखो यार, अब मैं साड़ी करूँगा तो साड़ी के लिए ना तुम्हें ढंग से देखना है, मतलब मैं कैसे कर रहा हूँ वो चीज़ तुम्हें ढंग से देखना है। तो देखो साड़ी के जहाँ जहाँ तुम्हें ना जैसे फोल्ड्स आते हैं, तो वो उस तरफ ना तुम्हें ना ब्लैक कलर करना है, और बाकी ना जहाँ जहाँ तुम्हारा फोल्ड नहीं आता वहाँ पे ना तुम्हें रेड कलर करना है, मतलब डार्क रेड। अगर तुम पे मैं मेरे पास मतलब डार्क रेड से थोड़ा सा डार्क कलर पड़ा हुआ था, और जिस पे अगर तुम पे रेड पड़ा हो तो तुम रेड से भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो मैंने मेरे पास यही कलर पड़ा हुआ था, मतलब जिससे जिसकी साड़ी मतलब जिस कलर से ये साड़ी बनी हुई है ना उसी कलर से ये बना हुआ था, ठीक है। तो मतलब ये पड़ा हुआ था तो मैं वही यूज़ कर रहा था। वैसे तुम दूसरा कलर भी यूज़ कर सकते हो, जैसे रेड कलर, या फिर तुम ग्रीन भी यूज़ कर सकते हो। बस तुम्हें ना याद रखना है कि शेडिंग ऐसे देनी है। तो देखो मैं कैसे दे रहा हूँ, जैसे ना मैं जहाँ जाना जहाँ जहाँ पे साड़ी उठी हुई है हल्की हल्की, वहाँ पे तो मैं मतलब दोनों तरफ से रेड ले रहा हूँ और बीच में वाइट मिक्स कर दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब दोनों लाइन ना तुम रेड रेड की मारो और फिर उसके बाद व्हाइट मिक्स कर दो, और जहाँ पे तुम्हारा ना डार्क आ रहा है वहाँ पे देखो मैं ब्लैक मिक्स कर रहा हूँ। अब तुम ध्यान से देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, देख देख ध्यान से देखो। मैं ना बिल्कुल मतलब जैसे फ़ोन में वो मैं देख के कर रहा हूँ, और जो मैं कर रहा हूँ वो देख के तुम कर लो आराम से। तो बस फिर ऐसे करना है, ठीक है। और देखो अब यहाँ पे ये वाला पार्ट ना उसके नीचे छिप रहा था, ऊपर वाली साड़ी के नीचे, मतलब जो वो बीच में फोल्ड आ रहा होगा, ठीक है। तो वहाँ पे ना मैंने ब्लैक करा है, देखो ध्यान से जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है ब्लैक की वहाँ वहाँ ब्लैक करो, ठीक है। बिल्कुल ब्लैक डाल दो और उसके बाद थोड़ा थोड़ा मिक्स कर दो, ठीक है। देखो अब ना थोड़ा सा ब्लैक मिक्स था मेरे ब्रश पे पड़ा हुआ था ब्लैक, ठीक है। तो मैंने ना उधर से वो दूसरे मतलब वो वाला और रेड कलर लिया, और उसके बाद ना उसे ब्लैक से मिक्स कर दिया। अब देखो अब मैं ना थोड़ी देर में वाइट कर दूंगा इस पर, मतलब इस पर नहीं आगे, मतलब जो दूसरी मतलब साड़ी है वो उस पर, ठीक है, वाइट कर दूंगा, ठीक है। तो मतलब तुम्हें ना जहाँ पे एक चीज़ बस ध्यान रखो, तीन कलर यूज़ करने हैं बस तुम्हें इस पर, वाइट रेड और ब्लैक, इन तीनों से ना पूरी साड़ी बनानी है। तो देखो अब साड़ी के ऊपर जो टेक्सचर है ना वो तुम्हें मतलब टेक्सचर कह रहा हूँ, जैसे साड़ी के ऊपर जैसे जो वर्क करा हुआ है वो ना तुम्हें लेट मतलब बाद में करना है, ठीक है। वो वर्क तुम्हें भी वो वर्क बाद में करना है, इसने भी पहले साड़ी बनाई होगी बाद में ये वर्क करा होगा, तो तुम्हें भी वो वर्क बाद में करना है, याद रखना। तो पहले ना बेस सेट करो, ठीक है। जैसे मैं साड़ी की पहले ना पूरी शेडिंग दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ना जो डिटेलिंग वर्क करूँगा इसके ऊपर जो वर्क करा हुआ है वो उसे येलो वगैरह से या ग्रीन वगैरह से वो सारी चीज़ें करूँगा मैं, ठीक है। तो पहले तो मैं कुछ उसमें मतलब तुम्हें ढंग से बता दूंगा, फिर शायद स्पीड तेज़ कर दूँ, क्योंकि यार वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी जा रही है, ठीक है। तो तुम्हें बस समझ आने की ज़रूरत है, बाकी तो तुम खुद कर लोगे, है ना। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जैसे ये देखो अब साड़ी पे मैंने करा क्या है, बस यही करा है कि मतलब लाइन लाइन मतलब सीधी सीधी लाइन दे दो, पहले उसी कलर से रेड कलर से, फिर उसके बाद उसमें ब्लैक मिक्स करो और वाइट मिक्स करो, बस यही तो करना है और क्या करना है, ठीक है। तो करो आराम से हो जाएगा तुमसे, नहीं तो अगर तुम्हें समझ नहीं आती तो मेरी वीडियो स्लो भी कर सकते हो तुम, और HD में बनाने के लिए ज़्यादा अच्छे दिखने के लिए 720p पे कर लो, और बिल्कुल ध्यान से देख के ना कोशिश करो किसी एक शीट पे बस साड़ी साड़ी बनाने की कोशिश करो, तब भी तुमसे हो जाएगा ये, ठीक है। और अगर इसका आधा भी हो ना तुमसे तो भी मतलब बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे फिर प्रैक्टिस कर करके ना तुम बहुत सारी चीज़ें करने लग जाओगे, और ये जरूरी नहीं कि तुम इससे मतलब यही पेंटिंग सीख रहे हो, इससे ना तुम बहुत मतलब आगे दूसरी पेंटिंग करने के लिए भी इम्प्रूवमेंट आ रही है तुम में। तो ये मत सोचना कि तुम ये करने ये देखने के लिए मतलब ये देख रहे हो तो तुम्हारा कोई टॉपिक नहीं है, ये इसे देखने से तुम्हें ये नहीं होगा कि मतलब तुम्हें दूसरी टॉपिक की तैयारी नहीं हो पाएगी इससे ना, इससे करने से, बल्कि तुम्हारा और दूसरी टॉपिक की तैयारी ना तुम्हारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब देखो नीचे ना डार्क ब्लैक है ना इसमें, अब मेरी जो मेरे फ़ोन में इमेज है वो देखो तुम, वहाँ डार्क है ना, कितना डार्क है, तो मैं वो डार्क कर रहा हूँ, देखो ध्यान से ब्लैक यूज़ कर रहा हूँ ना मैं वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें ना तुम्हें बिल्कुल ध्यान से करना है, ठीक है। चलो अब करो, अब देखो ध्यान से कैसे कर रहा हूँ मैं, समझ आ जाएगी तुम्हारे बहुत इजीली, मतलब कर लोगे तुम, विश्वास है मेरा पूरा। यार और एक चीज़ पता है, ये साड़ी है या क्या है ये मुझे पता नहीं है, ठीक है। ये लड़कियों को ही पता होगी, घाघरा चोली कहते हैं शायद इसे, ठीक है, और बाकी तो लड़कियों को ज़्यादा पता होगी ये बात, ठीक है। तो तुम ना बस, मैं साड़ी बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है इसे शायद से चोली कहते हैं शायद, पता नहीं, तो तुम देख लो और तुम्हें पता लग जाएगी, ठीक है। ओके ये बोलने के लिए मैं वापस बोला मैंने वैसे, ठीक है। तो तुम देख,
यार देखो, एक चीज़ देखो, मैं ना इसमें ना जो टेक्सचर दे रहा हूँ साड़ी में, वो मतलब चोली में जो भी, ठीक है तो जो टेक्सचर दे रहा हूँ मैं ना, ब्लैक और ना मतलब रेड कलर मिक्स करके दे रहा हूँ, तो ना तुम्हें वैसे टेक्सचर देना है, ठीक है, ये ध्यान में रखना बस। अब देखो, अपना येलो कलर लो और उससे ना बिल्कुल गोले गोले मार दो, जैसे मतलब वो नहीं होते मतलब येलो कलर के, उसमें बॉर्डर पे थोड़ा सा शीशा लगा होता है अंदर, तो वो बना रहा हूँ मैं। तो देखो, येलो कलर से ना पहले बॉर्डर बॉर्डर बना दो, ठीक है, और उसके बाद ना उससे ना मतलब थोड़ा अंदर ना ब्लैक ब्लैक कलर, मतलब बीच बीच में ब्लैक ब्लैक कलर कर दो, ठीक है, तो उससे वो येलो कलर वैसे भी ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। और फिर ना तुम्हें ना मतलब ये ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे, ठीक है, इसे ना तुम बिना शेडिंग के भी करो ना तब भी चल जाएगा ये, ठीक है, मतलब बस तुम्हें ना दिखना चाहिए, और थोड़ा सा ना इसे डल करना, क्योंकि तुम्हारी साड़ी साड़ी डल है तो तुम बिल्कुल ही लाइट कर दोगे ना तो वो अलग से चमक जाएगा, वो अलग, और वो अच्छा नहीं लगेगा वो, ठीक है। और तुम्हें और एक चीज़ ध्यान रखना है, जहाँ पर तुम्हारा ना डार्क पार्ट आया है साड़ी का, जहाँ तुम्हारा डार्क पार्ट आया वहाँ पर ये चीज़ भी डार्क ही आएगा, मतलब वो वहाँ पर वो मतलब समझ रहे हो ना कि जैसे येलो कलर करोगे तो वहाँ पर डार्क वाला येलो आएगा, ठीक है, तो ये सारी चीज़ ध्यान रखना है तुम्हें, ये सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, कि जहाँ पे वो डार्क आ रहा है तो तुम्हें वो सारी चीज़ें वहाँ पे डार्क ही बनाओ जो भी बनाओगे तुम, और जहाँ लाइट आ रहा है वहाँ पे चमकाओ हर चीज़, मतलब और ज़्यादा वाइट करो कहीं कुछ ऐसा, मतलब ठीक है वो कॉमन सेंस वाली चीज़ें, ठीक है। देखो अब जैसे वहाँ तक मैंने चमका दिया ना, वाइट कर दिया ना, ये कह रहा था मैं, ठीक है, तो बस फिर करो करो करो, सीखो सीखो सीखो, ठीक है।
तो देखो यार, बाकी सारी चीज़ें तो सेम ही है, ठीक है। जैसे मतलब मैंने नीचे करा था वही चीज़ें ऊपर करनी है, और फिर वही टेक्सचर, बस टेक्सचर देना है तुम्हें अलग अलग, और मतलब जो डिटेलिंग वर्क है उस पर ये करना है बस तुम्हें, ठीक है। और बाकी तुमसे हो जाएगा ये। अब ये सारी चीज़ें तुम्हें समझ आ गई होगी। और ना नीचे अब भी मैं और भी चीज़ें करूँगा, मतलब जैसे जब साड़ी बनाऊँगा ना, जो इसका चोली या लहंगा, पता नहीं क्या कहते हैं, लहंगा कहते हैं ना शायद जो भी, मतलब क्या कहते हैं, घाघरा, घाघरा कहते हैं ना इसको नीचे जो पहनती है, तो यार कहते हैं जो भी है तो बस मेरा शेडिंग से मतलब है ना। तो बस मैं बताता हूँ, नीचे की जो घाघरा की शेडिंग है ना, वो तो तुमने स्टार्टिंग में देखा होगा, वो मैं बहुत अच्छी तरह मतलब मैंने कोशिश करी है देने की, तो वो तुम्हें बताऊँगा कि वाइट और ब्लैक को कैसे यूज़ करना है, तुम्हें वहाँ पे ये बता दूंगा मैं। और फिर मतलब जैसे यहाँ पे फिर उसके पीछे ये जो ये मटका सा बना हुआ है ना, इसके राइट हैंड साइड पे, वो शायद मेरे थर्ड वीडियो पे आएगी वो वाली चीज़। तो यार वीडियो लंबी थी इसलिए मैंने तीन तीन पार्ट में डाला है, क्योंकि अगर 2 घंटे की होती तो कोई देखता नहीं वैसे भी, ठीक है। तो मैंने सोचा 3 पार्ट में डाल देता हूँ, तो क्या पता बंदे देख लें। अब मुझे पक्का तो कुछ पता नहीं है कि देखें या ना देखें, तो तुम देखना है वैसे, अगर तुम्हें सीखना है तो तुम देखोगे ही जहाँ तक है, पर फिर भी देखने की कोशिश करना, क्योंकि अच्छी मतलब वीडियो अच्छी बनी है, और देखोगे तो तुम सीखोगे सीखोगे, ये बात पक्की है, ठीक है। और ये मटका वटका भी बहुत अच्छा बना है, डिटेलिंग बहुत अच्छी करी है मैंने, तो वो सब भी देखना, और अच्छी लगे तो ज़रूर देखना, और सब्सक्राइब कर देना अगर और अच्छी लगे तो। बाय।